हेलो मेरे दोस्तों, मेरा दोस्त धवल भनिया है और जब बात आती है वेल्थ क्रिएशन की तो पैसा कमाना और वेल्थ क्रिएट करना तो इनके डीएनए में होता है। धवल के डैड ने आज से 10 बरस पहले निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 11,000 रुपीज की मंथली एसआईपी शुरू करी थी और इस एसआईपी को वो हर बरस 10% से बढ़ाते रहे और इन 10 ईयर्स में जो अमाउंट इन्होंने इस फंड में निवेश करा था वो है 21,10,000 रुपीज। लेकिन आज इस फंड की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, यानी ऑलमोस्ट 79 लाख रुपीज का मुनाफा, और ये बनता है 374% का एब्सोल्यूट रिटर्न। लेकिन अगर हम इसका CAGR देखें तो ये बनता है 29.10%। धवल के डैड ने 10 बरस पहले इस फंड में SIP इसी फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए करी थी कि वो अपने बेटे को शादी के बाद एक घर दिलाएगा। अब उसके डैड ने इस म्यूचुअल फंड को बेचने के बाद जो प्रॉफिट बुक करा उस पर उन्होंने कोई भी टैक्स पे नहीं किया, क्योंकि रूल के हिसाब से अगर वो इस मुनाफे को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मेरा फ्रेंड धवल जब कभी भी मुझे मिलता है तो वो कंजम्पशन से ज्यादा कुछ प्रोड्यूस करने की बातें करता है। हमेशा वो स्टॉक मार्केट, स्टार्टअप, बिजनेस आइडियाज, ऐसी सारी बातें ही करता है। वो बिग बॉस की जगह शार्क टैंक देखने में अपना समय निवेश करता है। तो देखा आपने कि कैसे धवल के डैड ने 21 लाख रुपीज को पहले तो 1 करोड़ में कन्वर्ट करा और फिर उस 1 करोड़ पर 1 रुपए का टैक्स भी नहीं भरा। धवल ने अपनी शादी के लिए कोई लोन नहीं लिया, बल्कि उसके डैड ने उसे बिना लोन लिए 1 करोड़ का घर भी गिफ्ट कर दिया। अब बाय नाउ आपको एक अंदाजा तो आ ही गया होगा कि धवल का फाइनेंशियल फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स के पास से सही बातें सीखने मिल रही है। अब मेरा एक और दोस्त है सुहिल, वो मेरे साथ सिटी बैंक में काम करता था। उसे बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक है। वो पहले तो ऐसे ही टाइम पास के लिए बॉडी बिल्डिंग टिप्स को लेकर YouTube और Instagram पर वीडियोस डाला करता था। लेकिन कुछ समय बाद जब उसके 1-2 वीडियोस पर लाखों में व्यूज आए तो वो और ज्यादा मोटिवेट हो गया और ज्यादा वीडियोस पोस्ट करने लगा। यही मेरा दोस्त जो सिटी बैंक में मंथली 28,000 रुपीज अर्न करता था, आज महीने के $5,000 अर्न करता है, जो करीब 4 लाख रुपए के आसपास बनते हैं। अब मैं आपको सोहिल का बैकग्राउंड बताता हूँ। सोहिल के डैड हमेशा से कर्जे में ही रहे हैं और उनकी कोई सेविंग्स भी नहीं है, और सोहिल ने अपने पेरेंट्स से यही सीखा है। उसकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती गई तो वो अपनी इनकम के बढ़ने के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को भी तेजी से चेंज करता गया। वो ओमेगा की 5 लाख की घड़ी पहनता है, जो लेटेस्ट फोन मार्केट में आती है वो तुरंत उसे खरीद लेता है। उसने हाल ही में 50,000 रुपीज का शूज खरीदा। पहले वो एक नॉर्मल जिम में वर्कआउट करता था, लेकिन अब वो मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला की एक फैंसी जिम में वर्कआउट करता है और उस पर हमेशा वहाँ के लोगों की तरह फैंसी दिखने का प्रेशर बना रहता है। सोहिल अपने फाइनेंसेस मेरे साथ शेयर करता है और सच कहूं तो उसके लोन्स और EMIs की अमाउंट ऑलमोस्ट उसके मंथली इनकम जितनी ही है। वो साल भर में 3 लाख का टैक्स भी पे करता है, क्योंकि उसे टैक्स सेविंग कैसे करते है ये सीखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सोहिल अपनी शादी के लिए 10 लाख का पर्सनल लोन लेने की सोच रहा है। 1 महीने भी अगर उसकी इनकम नहीं आई तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। और अब मैंने भी उसे समझाना छोड़ दिया है, क्योंकि उसे इरिटेशन होता है। अब सोहिल के फाइनेंशियल फ्यूचर का अंदाजा भी आपको लग ही गया होगा। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में इंडिया की लगभग 31% पॉपुलेशन मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। 2031 तक ये परसेंटेज बढ़कर 38% और 2047 तक ये बढ़कर 60% हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिसकी वजह से हमारे देश का मिडिल क्लास कभी भी खुद को फाइनेंशियली फ्री नहीं कर पाएगा। कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपनी कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। मैं हूं भावेन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच, और आप देख रहे हैं YouTube चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका 1 पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। मिस्टेक नंबर 1, ब्रांड है तो स्टेटस है। आई एम श्योर आपने H&M और ज़ारा इस ब्रांड का नाम तो सुना ही होगा। एक रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार इन ब्रांड्स का रेवेन्यू इंडिया में 2023 में 40% से बढ़ा है। यही नहीं, अगर मैं कुछ और ब्रांड्स की बात करूं तो लिवाइस का ग्रोथ 54% से हुआ है, पेपे जीन्स का ग्रोथ 54% से हुआ है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर ब्रांड होता क्या है। बस किसी भी चीज पर एक फेमस नाम का टैग
लगा देने से वो चीज ब्रांड बन जाती है, और जो ब्रांड जितना ज्यादा फेमस और बड़ा होता है उसके प्रोडक्ट्स उतने ही ज्यादा महंगे होते हैं। जो भी इंसान जितने ज्यादा फेमस ब्रांड के कपड़े पहनता है उसका स्टेटस उतना ही हाई माना जाता है। दोस्तों, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ब्रांड्स के पीछे भागता रहता है। दरअसल मिडिल क्लास वो कैटेगरी है जो खुद को लगातार रिच क्लास के लोगों की तरह दिखाने की कोशिश करता रहता है, जिस वजह से वो अपने बजट से महंगी चीजें खरीदने पर भी राजी हो जाता है। रिच लोग हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं लेकिन कभी भी उसका दिखावा नहीं करते। रिच लोग दिखावे को पैसों की वेस्टेज समझते हैं, वहीं मिडिल क्लास लोग ब्रांडेड चीज लेते ही दिखावा करने के लिए है। इसका बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल आईफोन है। आजकल ऑलमोस्ट सभी लोग आईफोन खरीदने में लगे हैं, जिससे पकड़ने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है ताकि उसके बैक पर एप्पल का मार्क नजर आता रहे। आपको इस शो ऑफ के ट्रैप से बाहर निकलना होगा। आप कम पैसों में भी अच्छी और क्वालिटी लोकल ब्रांड्स के कपड़े और एक्सेसरीज पहन सकते हो। और हमेशा याद रखना, हॉलीवुड एक्ट्रेस ईमा वॉटसन ने कहा था, वेयरिंग अनब्रांडेड क्लोथ्स एंड चीप क्लोथ्स डज नॉट मीन दैट यू आर पुअर। रिमेम्बर, यू हैव अ फैमिली टू फीड, नॉट अ कम्युनिटी टू इम्प्रेस। अब मैं ये नहीं कहता कि ब्रांडेड चीजें मत खरीदो, लेकिन बस अपने बजट से बाहर जाकर दिखावे के लिए मत खरीदो। मिस्टेक नंबर टू, खुद पर खर्चा ना करना, स्केयरसिटी माइंडसेट। अब आप कहोगे कि ये क्या, अभी तो मैंने कहा कि अपने बजट से बाहर जाकर ब्रांडेड कपड़े दिखावे के लिए खरीदना बेवकूफी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद पर खर्चा ही ना करना। देखिए, एक कॉमन मिस्टेक जो मिडिल क्लास को फाइनेंशियली फ्री नहीं होने देती वो ये है कि ज्यादातर मिडिल क्लास दिखावा करने के लिए खर्च करते हैं। मान लीजिए दो दोस्त है, सीमा और रीमा। सीमा को वेकेशन करने का और अच्छे कपड़े खरीदने का बड़ा शौक है, लेकिन वो मुंबई में अपना पूरा घर रेंट करके रहने की बजाय पीजी में रहती है। वो हर दिन घर पर खाना बनाती है, हो सके तो हर दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती है, विच मीन्स कि वो अपने खर्चों को बैलेंस करती है और फ्यूचर के लिए निवेश भी करती है। लेकिन रीमा हर खर्चा दिखावे के लिए करती है। अगर उसके किसी दोस्त ने आईफोन खरीदा तो उसने भी खरीद लिया। उसके दोस्त अगर ऑफिस के बाद क्लब में पार्टी करने जाते हैं तो वो भी चली जाती है। उसकी फ्रेंड ने लेटेस्ट फैशन के कपड़े खरीदे तो उसने भी खरीद लिए। वो मुंबई में खुद के बड़े घर को रेंट करके अकेले रहती है, रोज ऑफिस उबर से आ जाती है, और इसी वजह से महीने के एंड में उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ अमाउंट सेव नहीं होता। रिच और मिडिल क्लास लोगों के बीच जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो पैसों को लेकर उनका नजरिया है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपनी पूरी सैलरी ही खर्च कर देनी चाहिए, बल्कि मैं आपको इस स्केयरसिटी माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए बोल रहा हूँ। आपको अपने खर्चे, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और विश के हिसाब से अपना बजट बनाना चाहिए और सैलरी आने के बाद उसी को फॉलो करना चाहिए। मैं एज अ फाइनेंशियल कोच आपको ये सलाह जरूर दूंगा कि चाहे आपकी सैलरी कितनी भी कम क्यों ना हो, लेकिन आपको उसका एक प्रपोर्शन इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए ताकि आपके पास इनकम के दो सोर्सेस आ जाए। मिस्टेक नंबर थ्री, उधार की जिंदगी से अपने स्टेटस का दिखावा करना। अगर आपको घर खरीदना है तो लोन ले लो, वेकेशन करनी है तो लोन ले लो, घर को रिनोवेट करना है तो लोन ले लो। आजकल तो अमेज़न पर जूते और कपड़े खरीदने के लिए भी लोन मिल रहा है। इमेजिन कीजिए, कुछ लोगों के कपड़े भी उधार के होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारा देश अगला अमेरिका बन रहा है, जहां लोग लग्जरी और दिखावा करने के लिए भी लोन ले रहे हैं। छोटी छोटी जरूरतों के लिए लोन लेना शायद आपको नॉर्मल लगे, लेकिन ये लोन धीरे धीरे आपकी जेब को खाली कर रहे हैं। मान लो आपने किसी कारण से 15 लाख रुपीज का लोन लिया, जिसकी ईएमआई 10.60% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 32,000 रुपीज बनती है। अब अगले 5 सालों में आप बैंक को लौटाओगे टोटल 19 लाख रुपीज। अब आपको शायद इसमें कोई प्रॉब्लम ना लगे, लेकिन आगे सुन लो, अगर इसी अमाउंट को आप 10.60% रिटर्न पर इन्वेस्ट कर देते हैं तो 5 बरस बाद आपके पास अक्यूमुलेट होंगे 25 लाख रुपीज। यानी जिन पैसों को आपने सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए वेस्ट कर दिया, उसी से आप कहीं गुना ज्यादा पैसे सेव कर सकते हैं। सो अगर आपका कोई गोल है, जैसे कि वेकेशन करना, कार खरीदना, तो इस गोल के लिए आप पहले प्लान करो, फिर निवेश करो, और लोन लेने की बजाय पैसे इन्वेस्ट करके इन गोल्स को अचीव करो। अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, जैसे कि
इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट, कार खरीदना, वेकेशन, घर खरीदना इन्हें अचीव कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4, ऐसा सोचना कि अच्छी डिग्री आपको अमीर बना देगी। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा कि कैसे किसी गवर्नमेंट जॉब में क्लर्क के लिए वैकेंसी निकलती है जहां सिर्फ 12th पास की जरूरत होती है, लेकिन MBA और PhD लाखों की संख्या में अप्लाई करते हैं। अक्सर मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई के पीछे अपनी पूरी सेविंग्स खर्च कर देते हैं। मेरी बात अक्सर कई सारे ऐसे लोगों के साथ होती है जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो अपने काम से खुश नहीं है। उनका कहना होता है कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें प्रेशराइज किया इस डिग्री को अचीव करने के लिए, लेकिन उनकी इस काम में कोई रुचि नहीं है और वो तो कुछ और ही करना चाहते थे। देखिए, पढ़ाई करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर लोग गलत डिग्री अचीव करने के लिए लाखों का लोन ले लेते हैं और उन्हें निराशा होती है जब उन्हें उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सैलरी ऑफर नहीं की जाती। बचपन में हमारे स्कूल्स और बड़े होकर हमारे कॉलेजेस में हमें यही सिखाया जाता है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, जबकि कोई भी ये नहीं बताता कि आपको हार्ड वर्क एक्चुअली किस डायरेक्शन में करना है। और ये तो कोई भी नहीं बताता कि आप एक्चुअली हार्ड वर्क के अलावा स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो। दोस्तों, हार्ड वर्क अच्छी बात होती है, लेकिन स्मार्ट वर्क और भी अच्छी बात होती है। मैं आपको हमेशा सिर्फ यही सलाह दूंगा कि हार्ड वर्क नो डाउट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको समझना होगा कि कहां पर एक्चुअली हार्ड वर्क की जरूरत है और कहां पर आपको स्मार्टली वर्क करना है। सो आपको कौन से फील्ड में डिग्री लेनी है, ये आपका दोस्त क्या कर रहा है इसे देखकर डिसाइड मत करो। मिस्टेक नंबर 5, रिस्क ना ले पाना। देखो, अगर आप फाइनेंस रिलेटेड 2-5 चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि सिर्फ FD में अपने पैसे सेव करके आप अमीर नहीं बन सकते। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ FD और म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बाकी लाइफ के रिस्क की। एक मिडिल क्लास लाइफ के हर डिसीजन को सेफ तरीके से ही लेना जानता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इन्फोसिस या TCS से काम करने का ऑफर आता है और अगर उसे किसी स्टार्टअप से भी ऑफर आती है जहां उसकी सैलरी से ज्यादा उसे ESOPs मिलेंगे लेकिन जॉब की सिक्योरिटी नहीं होगी, तो 90% लोग बड़ी कंपनी में ही नौकरी करना पसंद करेंगे, लेकिन वो एक बार भी ये नहीं सोचेंगे कि स्टार्टअप अगर चल पड़ा तो उनके ESOPs उन्हें 5-6 सालों में इतना अमीर बना देंगे जितना पैसा वो एक बड़ी कंपनी की सैलरी से 15 सालों में भी नहीं कमा पाएंगे। इन शॉर्ट, इन्वेस्टमेंट्स हो या लाइफ के बड़े डिसीजंस, एक मिडिल क्लास हमेशा सेफ्टी को ही प्रायोरिटी देता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीख जाओ तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना आसान हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर करोगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिए। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। वंस अगेन, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।